चलिए अब आते हैं सीटीबीटी। व्हाट इज सीटीबीटी? कॉम्प्रेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, समग्र टेस्ट प्रतिबंध समझौता। देखिए, अकॉर्डिंग टू सीटीबीटी ऑल द कंट्रीज शुड स्टॉप द न्यूक्लियर टेस्ट इन एनी मैनर। एक्सेप्ट कंप्यूटर सिमुलेशन। सीटीबीटी के अनुसार सभी देशों को कंप्यूटर सिमुलेशन के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरीके से नाभिकीय परीक्षण करने की इजाजत नहीं होगी। इंडियाज स्टैंड ऑन सीटीबीटी दैट वी आर नॉट गोइंग टू साइन इट नाउ और नेवर। भारत का सीटीबीटी के संदर्भ में यही रुख है कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं, ना तो अभी और ना ही बाद में। बिकॉज इनिशियली वी डोंट हैव द कैपेबिलिटी of computer simulated test. क्योंकि प्रारंभ में हमारे पास ये क्षमता थी ही नहीं कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन से ये टेस्ट कर ले। All the five nuclear weapon states were capable to do so. पांच नाभिकीय राष्ट्र ऐसा करने में सक्षम थे। So it again divided the world between haves and have nots. क्योंकि ये तो फिर एक विश्व को हैव्स और हैव नॉट्स में बांटने का एक माध्यम बन गया। इट विल ऑल ओनली प्रिवेंट द हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, नॉट द वर्टिकल प्रोलिफरेशन। ये तो फिर क्षैतिज प्रसार को रोकने की ही बात हुई। ना कि ऊर्ध्वाधर प्रसार को। समझ गया ना? तो जब सीटीबीटी लाई जा रही थी, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, तो क्या कहा गया कि ना तो आकाश में कोई टेस्ट करोगे, ना जमीन के अंदर कोई टेस्ट करोगे, ना पानी के अंदर कोई टेस्ट करोगे, केवल कंप्यूटर पर टेस्ट कर सकते हो। समझ गए? कंप्यूटर पर टेस्ट करने का मतलब आप कोई कंप्यूटर चेन रिएक्शन प्रोग्रामिंग के थ्रू निकालो
और निकाल कर देखो कि आपकी चेन रिएक्शन सही जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर वो सही चली गई तो आपके पास कैपेबिलिटी है, सही नहीं चलेगी तो नहीं। अमेरिका ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दे दी इसराइल को और इसराइल ने कंप्यूटर सिमुलेशन से टेस्ट करके मतलब काम खत्म कर लिया। इंडिया ने कहा कि सीटीबीटी तो फिर दुनिया को हैव्स और हैव नॉट में बांट रहा है। कैसे? जिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के पास है, पांच देशों के पास में कंप्यूटर सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी है, वो तो टेस्ट पे टेस्ट करते जाएंगे और हमारे जैसे देश को रोकना पड़ जाएगा। अगर हम सिग्नेचर कर देंगे तो हमको क्या बोलोगे कि तुमने जमीन के अंदर टेस्ट किया, गलत है, तुमने वायु में टेस्ट किया, गलत है, तुमने पानी में टेस्ट किया, गलत है। आप टेस्ट कर ही नहीं सकते। नाम क्या दे रहे हो कि टेस्ट रोक देगा तो हर तरह का प्रोलिफरेशन रोक देगा, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इंडिया ने कहा वर्टिकल प्रोलिफरेशन अभी भी नहीं रुकेगा क्योंकि ये तो टेस्ट पे टेस्ट करते जाएंगे कंप्यूटर सिमुलेशन से और हमको बोलेंगे आप टेस्ट कर ही नहीं सकते और उसके लिए हमको कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक डेवलप करनी पड़ जाएगी। ओके, ये तो फिर दुनिया को जैसे पहले एनपीटी ने दुनिया को दो पार्ट्स में बांटा कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट और एक एनएनडब्ल्यूपी एनएनडब्ल्यूएस, वैसे ये क्या किसमें बांटेंगे? एक वो जिनके पास कंप्यूटर सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी है, एक वो जिनपे कंप्यूटर सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए बहुत साल पहले भारत की जो वहां पे थी आनंदिता घोष, यूएन के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्होंने कहा नाउ और नॉट एवर, ना तो अभी करेंगे ना कभी बाद में करेंगे, झूठा आश्वासन नहीं दे रहे। लेकिन अब भारत के ऊपर लोग कह रहे हैं कि अब तो कर दो क्योंकि इंडिया हैव डेवलप्ड द कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी। अब अगर भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देता है तो भारत ने क्या कर लिया है, कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो जो पांच बड़े महाशक्तियां हैं उसके हिसाब से इंडिया भी टेस्ट करता रहेगा और पाकिस्तान को हम कहेंगे टेस्ट पर साइन करो और पाकिस्तान अगर साइन नहीं करेगा तो दुनिया उससे साइन करवा लेगी। साइन करवाने का मतलब कि फर्दर पाकिस्तान कैन नॉट टेस्ट क्योंकि पाकिस्तान के पास कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया को आज लोग क्या कह रहे हैं, इंडिया को बोल रहे हैं, इस बात को समझना, इंडिया को क्या बोल रहे हैं कि भाई आपने पहले क्यों मना किया था कि P5 के पास में कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है और आपके पास में नहीं है। इसका परिणाम ये होगा कि ये लोग तो टेस्ट पे टेस्ट करते जाएंगे और आपको रोक दिया, लेकिन अब आपके पास में कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, अब साइन करके इसमें शामिल हो जाओ और इनकी जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन से टेस्ट करते जाओ। और आप जब शामिल हो जाओगे तो ये लोग पकड़कर पाकिस्तान को भी ले आएंगे कि सीटीबीटी पर साइन करो, और अगर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए तो दुनिया के सामने एक्सपोज होगा कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और अगर पाकिस्तान ने साइन कर दिए तो फिर पाकिस्तान आपके कंपैरिजन में कमजोर रह ही जाएगा क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी उसके पास है ही नहीं। देखिए पैराग्राफ बदल के, Presently, it is advisable for India to sign CTBT भारत के लिए। अब यह सुझाव दिया जाता है कि उसे सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी डेवलप्ड द कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारत ने भी अब कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। So India can carry on its nuclear test even after the signature on CTBT. इसलिए भारत CTBT पर हस्ताक्षर करने के बाद भी नाभिकीय परीक्षण कर सकता है। अब लिखिए क्वेश्चन ऑफ फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी FMCT, क्वेश्चन ऑफ फिसाइल
मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी ट्रीटी एफ एम सी टी देखिए फिसाइल मटेरियल फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी एफ एम सी टी विखंडनीय पदार्थ कट ऑफ ट्रीटी विखंडनीय पदार्थ कम करने से संबंधित ट्रीटी एफ एम सी टी फिसाइल मटेरियल इज द मटेरियल विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन विखंडनीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसको नाभिकीय क्रिया में विखंडनीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसको नाभिकीय अभिक्रिया में ईंधन की जैसे उपयोग में लाया जाता है। ईंधन की जैसे उपयोग में लाया जाता है। सो दिस ट्रीटी एम्स टूवर्ड्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। इसलिए यह संधि भी नाभिकीय अप्रसार से संबंधित है। नाभिकीय अप्रसार से संबंधित है। वी अडॉप्टेड दिस रिजोल्यूशन इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। इसके संकल्प को हमने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अडॉप्ट किया है, स्वीकारा है। बट देर आर टू ऑब्जेक्शंस ऑफ इंडिया। नंबर वन, द कट ऑफ डेट कब तक खत्म करोगे। कट ऑफ डेट का मतलब फिसाइल मटेरियल द कट ऑफ डेट। नंबर वन क्या लिखोगे, कट ऑफ डेट वह तिथि जब तक कि इन पदार्थों को समाप्त किया जाना है। नंबर टू, इन्वेंटरी ऑफ फिसाइल मटेरियल। इन्वेंटरी ऑफ फिसाइल मटेरियल विखंडनीय पदार्थ के भंडार का क्या होगा। इन्वेंटरी ऑफ फिसाइल मटेरियल विखंडनीय पदार्थ के भंडार का क्या होगा, मतलब ये ट्रीटी बोलती है कि आप फिसाइल मटेरियल तैयार नहीं करोगे। यूरेनियम जो मिलता है एज इट इज थोड़ी यूज होता है। यूरेनियम को उस तरह से तैयार किया जाता है कि उस पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। तो ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन का हमने कह दिया कि खत्म करेंगे, तो खत्म कब तक करोगे। पहला तो कॉन्सेप्ट यह है, क्योंकि इंडिया हमेशा डेट पूछता है। ठीक है, इंडिया क्या कहता है कि जब आप वो कर रहे थे, डिसआर्मेंट कर रहे थे, डेट बताओ। समझ में आया ना, तो डेट बताओ। तो फिर हम जब वो डेट नहीं बता सके तो इंडिया ने कहा एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। उसी तरह से एफएमसीटी की ट्रीटी आप कब तक लागू करोगे, कब तक खत्म करोगे, हमसे सिग्नेचर करवा कर ये काम छोड़ोगे। और दूसरा, ये जो इन्वेंटरी है फिसाइल मटेरियल का, यानी कि उसका जो भंडार है उसका क्या होगा। तीसरा, मतलब दिक्कत तो दो ही है, आगे लिखिए। डिस्प्यूट बिटवीन यूएसए
एक सेकंड लिखना, डिस्प्यूट फ्रॉम द यूएसए एंड डिस्प्यूट बिटवीन यूएसए एंड इंडिया इज, दैट वेदर वी हैव टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटीरियल फ्रॉम द डे when we enters into treaty or the day from the treaty get effective. भारत और यूएसए के मध्य विवाद का विषय यह है कि हमें अपने विखंडनीय पदार्थों को कब से समाप्त करना शुरू करना है, जब हमने ट्रीटी पर सिग्नेचर किए तब से या जब ट्रीटी अस्तित्व में आई तब से, बात समझे कि हमने सिग्नेचर कर दिए 2024 में, अभी दुनिया के बाकी देश हस्ताक्षर कर रहे हैं और दुनिया के जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स है वो टीटी की इफेक्टिव वाली डेट बढ़ाते जा रहे हैं। मान लो टीटी इफेक्ट में आ रही है 2033 में, तो हम 10 साल तो खाली रह जाएंगे। या तो ये मानो कि टीटी जब से इफेक्ट में आएगी तब से हमको विखंडनीय पदार्थ खत्म करना है, और इफेक्ट में तब आएगी जब दुनिया के सभी देश इसमें हस्ताक्षर कर देंगे। ओवरऑल बात क्या है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पोजिशन है, चाहे वो FMCT से संबंधित हो, चाहे वो नो फर्स्ट यूज से संबंधित हो, एक बातें होती है एथिकल बातें और एक बातें होती है हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है। ओवरऑल घूम फिर के वही रियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। एक तरफ रियलिज्म बोलता है कि आपको न्यूक्लियर वेपन रखने ही पड़ेंगे, न्यूक्लियर वेपन का कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार अगर एटम बॉम्ब अगर बन गया तो फिर उसके बाद आप हाइड्रोजन बॉम्ब पर तो जा सकते हो, लेकिन एटम बॉम्ब को खत्म करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। वर्ल्ड की सुपर पावर्स एथिकल है नहीं, और अगर वर्ल्ड की सुपर पावर्स एथिकल बनके एक साथ अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट कर दे तो ये उनके नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं होगा। आज दुनिया के पास रशिया के पास में कौन सी रेजिम बनी है, मतलब आज रशिया यूक्रेन को या किसी भी दूसरे देश को किस ताकत से दबा पाएगा? क्या उसके पास में इकोनॉमिक पावर है? नहीं, उसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है। ऐसा कोई केस नहीं है कि रशिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसलिए दुनिया डरे उससे, या रशिया इन्वेस्टमेंट करता हो उससे दुनिया डरे। रशिया से एक ही चीज से लोग डरते हैं और वो है उसके पास में ये मिलिट्री पावर। तो अपनी मिलिट्री पावर को वो कट ऑफ करके कैसे आगे बढ़ पाएगा? नेशनल इंटरेस्ट की कॉस्ट पर कोई भी डील नहीं हो सकती। दुनिया बचाऊं या खुद को बचाऊं, इश्यू ये है। क्या करना चाहिए शायना? खुद को, सब खुद को बचा लो दुनिया बच जाएगी। नहीं, ये भगवान सबका भला करो और शुरू मुझसे करो, ठीक है भाई, अपना अपना काम सब कर लो। एक तरीका तो ये है कि दुनिया बचाऊं या खुद को बचाऊं, तो आप कहोगे एक इशू तो ये है कि भाई खुद को आप समर्पित कर दो दुनिया बच जाएगी। दूसरा तो दूसरी थ्योरी ये है कि सब अपने अपने आप को बचा लो दुनिया बची रही है। इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर ना होना कई लोगों का मानना है कि एक ही कारण रहा है, एटम बॉम्ब। अगर 45 में अमेरिका ने दुनिया को यह रास्ता नहीं दिखाया होता कि आपकी डिटरियंस का मतलब भी है एटॉमिक डिटरियंस, अगर 1945 में अमेरिका ने दुनिया को अगर यह रास्ता नहीं दिखाया होता कि आपके प्रतिरोध का एक ही मतलब है एटॉमिक डिटरियंस, बाकी सारे डिटरियंस अपनी जेब में रखो, समझ गए? ना तो आप कोई सॉफ्ट पावर हो ना कोई आप हार्ड पावर हो अगर आप एटॉमिक पावर नहीं हो तो। केनेथ वॉल्स कुछ भी कहता रहे, कोई भी वॉल्स कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब तक आप एटॉमिक डिटरियंस नहीं लोगे, वेदर खुद ने या एक्सटेंडेड एटॉमिक डिटरियंस आपके पास में नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड है। और अगर ऐसा ये सिस्टम अगर ये चला जो कोल्ड वॉर का सिस्टम चला, ठीक है दुनिया टेंशन में रही, लेकिन ये भी हुआ कि वॉर नहीं हुआ। और वो वॉर क्यों नहीं हुआ?
मुलर ने आपको डिटर्जेंट्स के अगेंस्ट में 9 बातें बोल दी, लेकिन मुलर की ये बातें जिस तरह से एक्सप्लेनेशन में से एक्सप्लेनेशन ढूंढना वाला बात होते हैं ना, समझना है कि नहीं? कुछ ऐसा हुआ कि एक बार आप बिना वॉलेट लिए घर से निकल गए और आपको रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया, आपके पास में वही नोकिया पुराना वाला मोबाइल था, बहुत मजबूत होता था वो, मतलब ऊपर से गिर गया तो भी मतलब कुछ नहीं होता था, बस ज्यादा से ज्यादा खुल जाता था तो बैटरी वापस लगा लो, वापस चालू हो जाता था, टूटता नहीं था। ये जो आज हमारी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाओ तो मोबाइल तुरंत टूट जाते ना, और उसके बावजूद भी क्रैक वगैरह आ जाते, वो पहले नहीं होते थे। तो उसको जब चोरों ने लूटने की कोशिश की तो उसके पास रिस्ट वॉच वो पहनता था नहीं, वॉलेट वो साथ में लाया नहीं, उसके पास था उसका मोबाइल और उसका चश्मा जो उसने लगा रखा था, ठीक है। चश्मे का वो क्या करते हैं, चोर वापस दे दिया, ठीक है। और मोबाइल चोरों ने कहा कि यार ये अगर कहीं लेके चले गए तो बेचने के पैसे देने पड़ जाएंगे, जैसे फिएट कार जानते हो ना आप, अगर आपके पास फिएट कार है और आपने किसी मैकेनिक को कहा इसको उठा लो तो 10-15 हजार रुपए लेता है वो, कि मैं इस कचरे को उठा के अपने यहां रखूंगा ना, या तो आप रखो अपने गैराज में, तो हम क्यों उसको उठवाते हैं, क्योंकि गैराज के अंदर आप कहां रख पाओगे, आजकल कहां बड़े बड़े गैराज होते हैं लोगों के पास में, लोगों के पास में कार पार्किंग के लिए छोटा सा स्पेस होता है। अब उस स्पेस में उन्होंने फिएट कार भी खरीदी थी 17,000 रुपए में, अब वो कार का क्या करे, वो उस मटेरियल का क्या करे, तो मैकेनिक्स को दे देते कि आप ले जाओ, मैकेनिक कहता जी हमको कोई खरीदेगा नहीं, हम इसको यहां से उठाकर ले जाएंगे, उस कार के लिए पैसे लगेंगे ना, और उसको फिर मतलब अपने यहां रखेंगे, इस बात के पैसे लगेंगे। तो कई लोगों ने इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने, हमारे फादर ने जो स्पीड कार खरीदी थी उसको देने के 15-20 हजार रुपए दिए कि भाई इसको ले जाओ यार, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है खड़ी करने की और बड़ी अजीब सी लगती है, घर में कोई एंटर हो रहा है सबसे पहले फिएट कार देखिए उसको, तो मजा आ जाएगा ना उसको कि कहाँ आ गया हूं मैं, म्यूजियम में तो नहीं आया हूं। तो ये स्थिति हो जाती। उसी तरीके से वो जो आपके पास मुलर ने जो बातें बोली ना, वो एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेनेशन ढूंढना रहा। तो जो आदमी था जिसको लूट नहीं पाया कोई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक थ्योरी निकाल दी कि आपको अगर अपने साथ में पैसे लेके चलते हो तो आप खतरे में हो, आप बिना पैसे लिए चलो, पुराना मोबाइल यूज करो, समझ गए, आपका असली डिटर्जेंस यही है कि आपके पास कुछ नहीं है, है ना, चोर बल्कि आपको सिंपैथी से कुछ दे गए कि यार कुछ खा लेना भाई, क्या कर मोबाइल बदलो यार, एक चोर को लग रहा था अपना मोबाइल बदलना, उसने अपना सिम निकाल के आपको दे दिया कि इसमें अपनी सिम डाल लेना, बेचूंगा तभी 500 ही मिलेंगे। आज आप कोई भी मोबाइल लेके दुकानदार के पास पहुंचो तो वो पता है कैसे रेट बताता है उसकी, उसी के कैलकुलेटर को खोल के, मोबाइल का कैलकुलेटर खोल के उस पर लिखता है 1000 रुपए, ये दिखा देता है, उसको बोलते हुए शर्म आ रही है कि 40,000 की आपकी ये चीज मैं 1000 रुपए दूंगा, एक्सेप्ट आईफोन, आईफोन की रिसेल वैल्यू है, लेकिन अगर आप कोई भी फोन लेकर जाओ तो वो आपको आप ही के मोबाइल का कैलकुलेटर खोल के कहता है इतने दूंगा। तो उसको कहते भैया बोल दे, बोले बोलते हुए शर्म आ रही क्योंकि 1000 रुपए की कोई चीज नहीं जो यहाँ बिक्री है उसकी दुकान में, कोई बैटरी चार्जर वार्जर सब 1000 रुपए से ऊपर के है, लेकिन एक यही चीज ऐसी है जो मैं खरीदूंगा 1000 रुपए में, इससे और कोई नहीं खरीद सकता, और लोग भी दे देते हैं, जरूरत ही नहीं होती। तो उसी प्रकार से डिटरियंस इज द नेसेसिटी एंड एटॉमिक डिटरियंस इज द रियल डिटरियंस, ये दो लाइनें लोगों ने अब मान ली है कि सही है, बाकी सारी बातें एकेडमिक पर्पज से है, बाकी सारी बातें साइंटिफिक पर्पज से, एनेट नेशन थ्योरी, एनेट नेशन एक्सपेरिमेंट, कितने लोग प्रसार करेंगे, जितने लोगों को तुमने खतरे में डाल दिया सब प्रसार करेंगे भाई, अमेरिका ने एटम बम बनाकर क्या सोचा, अब कोई ना बनाए, ऐसा क्यों, ताकि दुनिया पर हम हेजिमनी करें, कौन करने देगा, यूएसएसआर ने क्यों बना लिया, ताकि हम करें, चाइना ने क्यों बनाया, क्योंकि चाइना को जब माओ को बताया कि एटम बम गिराएगा तो उन्होंने अपना ही बनाओ भाई, ठीक है, क्योंकि एटम बम गिराएगा तो हम भी वापस गिरा देंगे। अगर दुनिया की समस्याओं को कोई लोग सोचना चाहे कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या यूएसए और यूएसएसआर? नहीं यार, यूएसए को तो बिल्कुल अपोजिशन था, यूएसएसआर ने रिसर्च किया। आपको याद आ रहा मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाते हुए कहा था
कि यूएसएसआर के अंदर कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी और वो ये भी तय करती थी कि आप प्रोफेशन क्या करोगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को इंसेंटिव दिए होंगे साइंटिस्ट को कि आपने यूएसए ने एटम बम बना लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी सैलरी में 10% का इंसेंटिव दिया जाता है। और यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट नेशन था, उसने अपने नागरिकों को कहा था, साइंटिस्ट को कहा था कि अगर 2-4 साल के अंदर एटम बम नहीं बना तो तुमको पहुंचा देंगे वहां पे, ठीक है, मरने के लिए। तो वहां के नागरिकों ने तेजी से काम किया होगा और बनाया होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा। ये एग्जांपल क्या शो करता है? रिसर्च टेक्नोलॉजी अमेरिका थोड़ी शेयर करता। इस बात के लिए तो उन्होंने दिमाग लगा के कहा कि यार एनपीटी लेकर आओ, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दो यूज हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के नाम पर सब डिस्ट्रक्टिव यूज करेंगे, इसलिए क्यों ना इनको एक बात कह दी जाए कि तुम साइन कर दो तो हम डिस्ट्रक्टिव यूज ही ना करोगे, कंस्ट्रक्टिव यूज हम तुम्हें करवाएंगे, जो तुमको रिसर्च करने 30-30 सालों में इसके नतीजे निकलेंगे, सारे रिसोर्स लगा दोगे देश के तब निकलेंगे। बेटर है कि हमारे पास निकले निकले आए हैं, हमारी फाइल दे देंगे तुमको, जो तुमको लेने की आदत भी है ना, स्कूलों के एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही किए हैं, वो तुम्हें आदत है। सोचो कि इंडियंस को जब 1969-70 में जब एनपीटी के लिए कहा गया होगा और वैज्ञानिकों को कहा गया होगा कि भाई अमेरिका टेक्नोलॉजी दे देगा, तो उन्होंने कहा हाँ ले लो, ऐसे ही कहा होगा, बिल्कुल ले लो सर, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है, हमने सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे ही कर रखे। लेकिन सोचिए कि जिन वैज्ञानिकों, मतलब जो लोग वैज्ञानिक बने होंगे वहां पे, क्या उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे? हमारे स्कूलों कॉलेज से तो निकले हुए थे ना, आज की तुलना में कम रिसोर्सेज थे। तो सोच लीजिए कि जो लोगों ने अपने स्कूलों कॉलेजों में एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उन्होंने भी जब देश के नाम पर बात आई तो एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियर टेस्ट किए कि नहीं किए? मतलब सेल्फ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मानी जाती है इंडिया की। इंडिया को किसी ने मदद नहीं करी, यूएसएसआर ने मदद नहीं करी, किसी ने मदद नहीं करी। एंड सेम बात जब पाकिस्तान पर गई तो उसने नॉर्थ कोरिया से ले लिया है ना, और नॉर्थ कोरिया को साथ में पाकिस्तान रिसर्च नहीं कर पाया, और माना गया कि पाकिस्तान को बैलेंस करने में अमेरिका ने भी मदद करी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। अभी रशिया जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका एक खतरा हो गया, वो है न्यूक्लियर टेररिज्म। न्यूक्लियर टेररिज्म क्या, कि कुछ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जैसे कि रशिया जो पहले यूएसएसआर था और इवन नॉर्थ कोरिया, इस मामले में भी जा सकते हैं कि वो आतंकवादियों को ये बेच दे। आतंकवादी अब छोटे मोटे इंडिविजुअल तो है नहीं, उनके ग्रुप्स है, कॉरपोरेशन है, वो रिक्रूटमेंट होते हैं ऑनलाइन। आईएसआईएस जो था ना, आईएसआई जिसका नाम आजकल इस्लामिक स्टेट हो गया, केवल आईएस, ठीक है, उसका एक बार, हाँ आईएएस नहीं कह रहा हूं, आईएस, एक बार केरल के अंदर कुछ हमारे नौजवानों ने उसका रिक्रूटमेंट फॉर्म भर दिया, उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया था, आवश्यकता है ना, वी नीड सम नंबर वन क्वालिफिकेशन, ये 2-3-4-5 साल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन की उस साइट को, और उसके बाद कई लोगों ने कहा कि जी हमने तो फॉर्म भर दिया था है ना, पैसे वैसे के लिए हमने फॉर्म भर दिया था। तो जो इस लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और तो उनके साथ क्या होगा, उनके पास फंडिंग है, और फंडिंग फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से फंडिंग है, और राज्यों से फंडिंग है तो न्यूक्लियर वेपन अगर आतंकवादियों के पास में आ गए तब तो फिर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज, और न्यूक्लियर वेपन कौन दे सकता है आतंकवादियों को? दुनिया के दो ही देश है, एक नॉर्थ कोरिया, एक रशिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान भी दे सकता है, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया इन यूएसए, सॉरी यूएसएसआर, क्यों दे सकता है? नॉर्थ कोरिया वो देश है जो आइसोलेटेड है, उसमें कोई आतंकवादी हमला तो बिल्कुल अलग है। रशिया इकोनॉमिकली टूट चुका है, और उसकी ये बाउंडेशन है कि वो यूक्रेन जैसे देशों को मारे, नहीं तो कोई उसको हल्के में लेने लग जाएंगे लोग, और लेने लग गए यूक्रेन और बेलारूस जैसे देश जो है, और ये अमेरिका के साथ चले गए। इसका रीजन क्या रहा? इन्होंने अपने पहले वाले बड़े भाई को हल्के में लेना शुरू कर दिया, देखो कितना बड़ा वो, और जो टूट कर अलग हुए वो दिखते ही नहीं है, समझ गए ना। तो रशिया को ये लगता है कि या तो मेरी हेजिमनी को माने वो 14 देश जो अलग हुए, इसके साथ कितने थे 15, और वो नहीं मानेंगे, वो किसकी हेजिमनी को मानेंगे? जो पैसा देगा, पैसा कौन दे सकता है? अमेरिका, समझ गए। तो उन्होंने कहा फिर मैं मिसाइलें मारूंगा यूक्रेन को, उन्होंने कहा फिर मैं तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, और ये उसको करना पड़ेगा क्योंकि बाकी के जितने देश है वो अमेरिकन एंट्री को लिमिट रखे, अगर उन्होंने अमेरिकन एंट्री को लिमिट नहीं किया ना तो रशिया की तो
जिसको कह सकते हैं कि संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है, चारों तरफ से वो अमेरिका अमेरिकन एजेंट से गिर जाएगा जो भी देश उससे अलग हुए। या तो एक ऑप्शन वो जापान वाला है कि रशिया खुद भी अमेरिका का एजेंट बन जाए, है कि नहीं, या तो रशिया खुद भी अमेरिका का एजेंट बन जाए, तब तो दुनिया के अंदर स्थिति शांत हो सकती है। लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि रशिया एक अपनी जो महाशक्ति का जो स्टेटस था उस स्टेटस को आज भी वो मानता कि यह है। पॉइंट इज क्लियर नॉट? तो भैया ये हमारी न्यूक्लियर का पूरा सिद्धांत हमने जो डिस्कस कर लिया। नहीं नहीं, उसको क्या कर्टल करता है, उसके लिए तो कॉपरेशन हो ही रहा है। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुआ, इंडिया जापान न्यूक्लियर डील हुआ, इंडिया कनाडा न्यूक्लियर डील हुआ, ये जो हुआ फिजाइल मटेरियल है वही तो इंडिया का क्वेश्चन है कि फिजाइल मटेरियल की जो भंडार है उसका कैसे यूज करेंगे, सबको खत्म करना है क्या करना है। तो फिर न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज आप कंस्ट्रक्टिवली भी नहीं कर सकते। अब वो IAEA को घुसाएगा कि आप रिएक्टर्स को दो भाग में डिवाइड करो, एक वो जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, एक वो जो कि मिलिट्री पर्पस है। IAEA आपके देश में आएगा, इट्स अगेंस्ट द सॉवरेनिटी और नॉट, है ना? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके रिएक्टर्स का क्यों इंस्पेक्शन करेगी, क्यों आप करने दोगे, और क्या ये उतनी शक्ति से अमेरिका का इंस्पेक्शन करेगी? तो वर्ल्ड हैव और हैव नॉट्स में नहीं बटना चाहिए, बट रियलिटी इज दैट हैव और हैव नॉट्स में बटावा है। रियलिटी इज दैट कि ये हैव और हैव नॉट्स में बटावा है। दुनिया के कुछ देशों के पास में संसाधन है और कुछ देशों के पास में नहीं। पॉइंट इज क्लियर, निकालो सिलेबस। जहां जहां न्यूक्लियर वर दिख रहा है समझ लो वो हो गया, मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में जहां जहां आपको न्यूक्लियर शब्द दिख रहा है समझो वो हो गया। ये तो कह रहा हूं कि अगर वो बिकने की बात हो रही है तो यूएसए के लिए कहा जाता है आतंकी समूह को दे सकता है, यूएसएसआर के लिए, सॉरी। अभी हम आगे से शुरू करेंगे जो कि इसका बी पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। फिर आगे आ जाएंगे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए जो फैक्टर्स मतलब जो डेवलपमेंट एंड चेंजेस हुए, ये बड़ी छोटी छोटी यूनिट्स है ना, जो हमने जीएस के आईआर में भी किए आप लोगों ने। अब यहां से आपने जो जीएस के आईआर में क्लासेस किए ना उसका मजा आपको अब आने लगेगा। जीएस के आईआर में आपने इनमें से सारे सब्जेक्ट, अब जो टॉपिक शुरू होंगे जैसे इंडिया श्रीलंका, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, उन सब का क्रक्स आपने पढ़ लिया कि वो है क्या। अब ऑथर्स के उसके बारे में व्यू और थोड़ा एक्सटेंशन से व्यू आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा, और इस क्लास के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आप में से अधिकांश चीजें अधिकांश बातों का बैकग्राउंड आपको पता होगा कि वो बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इसके बाद से हम ये चीजें शुरू करेंगे और इस तरह से अपना सब्जेक्ट चलेगा। 16 तारीख तक एक दो यूनिट और करा दूंगा, पहली और दूसरी 16 तक है ना अपनी क्लास, 15 तक ही होगी मेरे ख्याल से, 16 को नहीं ले पाएंगे क्लास, ठीक है, जैसा भी होगा, लेकिन देखते हैं 15-16 जो भी है। और उसके बाद जब रामनवमी के बाद आएंगे 21-22 से, ठीक है, तो उसके बाद फिर से जीएस के, जीएस की क्लासेस मत छोड़ना वो कर, आईआर की जीएस की क्लासेस जब एक बार खत्म हो जाएगी आपकी तो आपको लगेगा इस वाले आईआर का आपने क्रक्स पढ़ लिया, ब्रीफ में पढ़ लिया, मतलब जो टॉपिक वहां पर एक घंटे के अंदर खत्म हो गया वो टॉपिक यहां डिटेल में होगा, लेकिन उसे एक घंटे के अंदर उसका क्रक्स तो हो ही गया, इंपॉर्टेंट बातें तो हुई है उसके अंदर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिविजन करने में आपको आसानी हो जाएगी। आप जो यहां पढ़ोगे वो रिविजन करना आसान हो जाएगा आपके लिए, तो दूसरा सब्जेक्ट आपका जीएस में कुछ चलेगा तो वो अटेंड करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।